नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कैशलेस इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने लॉन्च की डिजिटल ऐप भीम। कहा, आपका अंगूठा ही बनेगा आपका बैंक कारोबार और पहचान। नोटबंदी को खोदा पहाड़, निकली चूहिया बताने वालों पर पीएम मोदी का वार। कहा, अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कुतरने वाली चूहिया की थी तलाश। चरम पर पहुंचा समाजवादी पार्टी का घमासान, उम्मीदवारों की अलग सूची जारी करने पर नाराज मुलायम ने अखिलेश और रामगोपाल यादव को भेजा कारण बताओ नोटिस। कल अखिलेश ने जारी की थी 235 उम्मीदवारों की सूची। एक बार फिर दिल्ली सचिवालय पहुंची सीबीआई। आप मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसजी के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी। ओएसजी पद पर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति में कथित अनियमितता का है मामला। जाकिर नायक और उनकी संस्था आईआरएफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया मामला। केंद्र सरकार पहले ही संस्था पर लगा चुकी है 5 साल का बैन। झारखंड के गोड्डा में खदान धंसने से करीब 40 मजदूर फंसे। अब तक 10 मजदूरों के शव निकाले गए। पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और चीन में शुरू हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा बेईपानजियांग पुल। 565 मीटर है ऊंचाई। 14 करोड़ 40 लाख डॉलर की लागत से तैयार किया गया है पुल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।